आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नेशनल हाईवे 2 गुरुद्वारे के पास अचानक मथुरा की तरफ से आ रहे एलपीजी टैंकर में आग लगने की आपबीती स्थानीय लोगों ने बताई। स्थानीय लोगों का कहना था कि एलपीजी टैंकर में आग लगने के समय हाईवे पर भगदड़ का माहौल था। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन इस दौरान नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। नेशनल हाईवे 2 पर डीवीएनएल कार्यालय पर अचानक एलपीजी के टैंकर में आग लग गई। आग लगने के कारण इस तरीके का माहौल पैदा हो गया कि सभी लोग जो है अपनी अपनी दुकानों को पेट्रोल पंप से जो है सभी लोग जो है गायब हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नेशनल हाईवे 2 पर जो एलपीजी का जो टैंकर खड़ा है, अचानक ये मथुरा की तरफ से आ रहा था, इसमें आग लग गई। आग लगने पर तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी गई। तकरीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं तमाम दमकल की गाड़ी जो है मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन माहौल इस तरीके का पैदा हो गया कि लोग बाग अपने जिस तरीके पास में पेट्रोल पंप है उनमें एक भय था कि कहीं सिलेंडर में आग लगी है जिसके कारण पेट्रोल पंप तक आग ना पहुंच जाए। तो वहीं कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से माहौल रहा और कितनी देर बाद आग पर काबू पाया गया। क्या नाम है आपका? सचित यादव। सचित यादव, क्या हुआ था, कैसे आग लगी और कितनी देर बाद आग पर काबू पाया? यहाँ जो टैंकर जो आ रहे हो तो चल चल गाड़ी रुक गई। यहाँ में इसके अंदर जो आग लग चुकी थी ऑलरेडी पहले ही थे, कंडक्टर डलावा छोड़ के अलग हट गए। आग धीरे धीरे बढ़ती गई ऊपर। अगर जैसे पास में पेट्रोल पंप है तो दहशत का माहौल रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक टैंकर है, आग अगर लगती तो शायद पेट्रोल पंप तक ही पहुँच सकती थी, बिल्कुल। तो किस तरीके की मशक्कत रही पुलिस प्रशासन की और कितनी देर में आग पर काबू पा लिया गया? तुरंत मैंने फिर फोन यहाँ से किया, उसके बाद फिर गाड़ी का 5 या 10 मिनट बाद गाड़ी आ गई। वही सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से एलपीजी के टैंकर में जो है आग लगी थी उसको देखते हुए लोगों में जो दहशत थी, दहशत के चलते वो सभी लोग अपने अपने जो रोज़गार कर रहे हैं, दुकानें हैं या पेट्रोल पंप पे जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, सभी लोग जो है छोड़ के चले गए थे। हालांकि जो है दमकल विभाग ने और पुलिस ने काफ़ी देर की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है और आप देख सकते हैं विजुअल्स में लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है आग को बुझाने का काम कर रही है। अभी भी जो है आग बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। अपने सहयोगी अनूप के साथ संदीप शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।